Hey! मरीज, जल्दी से शायद थर्मामीटर ले आओ। थर्मामीटर कहता है ठंड है। हमें आसमान के देवताओं को कहना होगा इस ठंड को गर्मी में बदलने के लिए। ओ महान आसमान के देवताओं, शायद आपको पहले प्लीज कहना चाहिए था। शाही पैर जम गए हैं। कोल्स्की, जरा बताओ तो हम इस गर्मी को अपने अंदर तक कैसे महसूस कर सकते हैं? मेरे हिसाब से हमें एक साथ पूरी तरह से पलट जाना चाहिए। ठीक है, तैयार हो जाओ, पलटो। तो डॉक्टर, आप पेंगुइन्स पर स्टडी कर रहे हैं? हाँ, ये मेरा प्रोफेशन है और मेरा शौक भी। मैं बता नहीं सकता मेरे लिए उनको इस कड़कड़ाती सर्दी और अंटार्कटिक जैसे मौसम में ऑब्जर्व करना कितना फायदेमंद होगा। आपको जो करना है करो। खाना आ रहा है साथियों। अगर आपको कुछ अजीब दिखे तो मुझे बता देना। अजीब यानी? आप देखेंगे तो जान जाएंगे। वाओ, ये तो बड़े कमाल के जीव हैं। -1 डिग्री टेम्परेचर में भी देखो कैसे खिले खिले लग रहे हैं। ऐसे ही खड़े रहो साथियों, ऐसे ही खड़े रहो। कितनी ठंड है। पक्का तो नहीं बता सकता, पर मेरे ख्याल से लगभग -1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो होगा ही। मेरी बलगम भी जम गई है। मेरा तो बायां पैर सुन्न हो गया। वो मेरा पैर है प्राइवेट, और वो दाहिना पैर है। पर डोंट वरी, ये जोकर यहाँ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। मैं गलत था। मुझे नहीं लगता वो झांसे में आएगा। तुम बस खड़े रहो प्राइवेट। अब वक्त है गर्मी लाने का। ये वेपर मशीन भाप की मात्रा को 700% तक बढ़ा देगी, जिससे जू में हर तरफ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वाकई कमाल है। मुझे बस एक कूलिंग लाइन लगानी है जिससे इसका प्रेशर ज्यादा। इमरजेंसी अल्फा, इमरजेंसी एलिस। पकड़ लिया। मुझे नहीं पता तुम सब कहाँ जाते हो, लेकिन अब कहीं नहीं जा पाओगे। हाँ, बहुत जरूरी है कि ये सब स्टडी एरिया में ही रहे। तुम डरो नहीं प्राइवेट, कोई भी ऐरा गैरा मुझे डरा कर अपना काम नहीं निकलवा सकता। बचाओ। लो, हो गया। ऑल द बेस्ट डॉक्टर। इतना बुरा नहीं है, उल्टा मुझ पर जच रहा है, ये है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइसेस, हमारी हर हरकत पर नजर रखी जाएगी। ये बिल्कुल नहीं हो सकता, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ जाते हैं, हमें भी नहीं। रिको, मुझे आरी दो। स्किपर, इस कड़े को काटने में कितना वक्त लग जाएगा? कड़े को? मैं तो अपने पैर को कटवाने की बात कर रहा था, पर शायद तुम्हारी बात भी सही है प्राइवेट। नहीं, ये टेम्पर हमारे पास इंतजार करने का वक्त नहीं है स्किपर। मैं कूलिंग अपग्रेड को लगा पाता उससे पहले हमें भट्टी वाले कमरे से निकलना पड़ा। उसके बिना अंदर भाप का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और बाप रे। कितनी देर में? 2 घंटे 4 मिनट में, अगर कोई नीचे जाकर काम पूरा न कर पाया तो। पर इस साइंटिस्ट का क्या करें? तुम्हें लगता है उसे पता चलेगा अगर हम गए तो? सही कहा। वो कहाँ चले गए? हमें आसमान के देवताओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस कड़कती ठंड में गर्मी देकर बचा लिया। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस कह दीजिए, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। आपने ही तो मांगा था। हेलो आसमान के देवता, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपकी आवाज एक पेंगुइन जैसी होगी। चुप रहो और ध्यान से सुनो।
बिल्कुल एक पेंगुइन जैसी ही आवाज है। तुम्हारा राज्य 1 घंटे और 47 मिनट में तबाह होने वाला है। गुस्से वाले आसमान के देवता, मैं हूँ स्किपर बेवकूफ, तुम बस मेरा प्लान सुनो। आपको यकीन है ये वही जगह है? क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। ध्यान से सुनो लंबी पूंछ, तुम्हारे पास कूलिंग मशीन लगाने के लिए 1 घंटा और 12 मिनट है। अच्छा ये बताओ, क्या इसमें खाने पीने का और सोने का वक्त भी जोड़ा हुआ है? क्वॉल्स की तुम्हें बताते जाएगा क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप, वो जैसे कहे वैसा ही करना। मैं राजा हूँ, मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। तो फिर तुम क्वॉल्सकी को आदेश दे दो कि वो तुम्हें बताए कि क्या करना है। हाँ ठीक है, ये हो सकता है। प्राइवेट रिको, रिपोर्ट। शायद साइंटिस्ट को शक होने लगा है। अब धुएं और आईने का सहारा लेना बहुत हुआ, हमें पेंगुइन्स जैसा बर्ताव शुरू करना होगा। पर हम तो सिर्फ मुस्कुराना और हाथ हिलाना ही जानते हैं, पेंगुइन्स और क्या करते हैं? मुझे जरा भी आइडिया नहीं है। ये ने काम आया। ठीक है, कूलिंग मशीन लग गई है। ध्यान से सुनो, ढक्कन खोलने पर तुम्हें लाल रंग के शेड के 7 बटन दिखाई देंगे। रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट, ब्रिक, कार्डिनल, रूबी और रोज। ये ध्यान रहे कि तुम्हें सिर्फ स्कारलेट बटन को ही घुमाना है, वरना जू को कहना टाटा। प्राइवेट, हमें पेंगुइन्स की कुछ हरकतें बताओ जल्दी। ठीक है, पहले फर्श को खुजाओ, फिर अपना सिर हिलाओ, फिर भागते हुए आगे बढ़ो, अपने पंख फड़फड़ाओ और फिर हवा में छलांग लगाओ और उड़ जाओ। रुको, मैंने कबूतर का पढ़ लिया। क्या करूं, अक्कड़ बक्कड़ बम में वो निकल जा रहा है। तुमने बटन घुमाया कि नहीं? याद रहे सिर्फ स्कारलेट बटन घुमाना। मैं कहां था? मो पर। तुम्हें ये वाला रंग स्कारलेट लग रहा है या कुछ और? इस रोशनी में ये तो क्रिम्सन लग रहा है। क्रिम्सन? तो फिर रूबी रंग कौन सा है? मैं कोई रंग बेचने वाला हूँ क्या? ये सारे के सारे लाल हैं। कोई भी बटन घुमा दो। प्राइवेट, क्या ये करना जरूरी है? हाँ, अपने झुंड में शांति बनाए रखने के लिए करना जरूरी है। तुम रिको के पंख संवारो, फिर वो तुम्हारे संवारेगा। अरे वाह, मैंने कर दिखाया है। जरा मुझे एक बात बताओ, क्या होगा अगर हमने कूलिंग मशीन को भट्टी से जोड़ने के बजाय गलती से एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जोड़ दिया हो तो? इससे प्रेशर का चेन रिएक्शन होगा जो आधे से ज्यादा शहर को तबाह कर देगा। क्यों पूछा? वो बस ऐसे ही। इसे रोकने का एक तरीका है, वो है मेन मोटर वाल्व को खोलकर पूरी जगह को पानी से भरना। रुको, क्या तुम इसे रोकने के तरीके का आखिरी हिस्सा फिर से दोहराओगे? वहाँ पानी भर दो। हमें वहाँ नीचे जाना ही होगा। नहीं जा सकते। उन तक पहुंचने से पहले एलिस हमें पकड़ कर बंद कर देगी। अब सब उन लीमर्स पर है। लीमर्स पर? पंख सवारना। हमें मेन पाइपलाइन जल्दी ढूंढनी होगी, उसी से प्रेशर कम हो सकता है। तो फिर उसे ढूंढना शुरू क्यों नहीं करते? मॉड, अब वक्त आ गया है कि तुम भी कोई ढंग का काम करो। ठीक है, लगता ये करना होगा मुझे ही। नर पेंगुइन्स अब किसी तरह का अजीब सा डांस कर रहे हैं। उन्होंने कर दिया, बहुत अच्छे लंबी पूंछ। मिशन पूरा हुआ, ओवर, अंडर एंड आउट। माफ
कीजिए डॉक्टर, यहाँ के सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली और मुझे एक नए तरह के पेंगुइन कम्युनिकेशन के बारे में पता चला। ये है ऊपरी ताली, ये वाली है निचली ताली और मेरी फेवरेट सर पे टपली।